अभी तो कुछ बरसाती मेढक आए हुए हैं, ये बरसात बीतेगा सब भाग जाएंगे, कोई दिल्ली भाग जाएगा, कोई पटना भाग जाएगा, कोई बॉम्बे भाग जाएगा, लेकिन भाई हमेशा समाज के बीच में रहता है और हमेशा रहेगा। ऐसा भी काम किए हैं कि जो एमपी विधायक को जो काम उनके अंडर में आता था वो भी हम काम किए हैं, जो हमारी जनता आज 50 साल से जूझ रही थी। ग्राम पंचायत राज मुखिया प्रतिनिधि सोनू पांडे जी, प्रत्याशी कौन आप हैं, इनसे क्वेश्चन कर सकते हैं? आपका नाम क्या है? सपना देवी, निवर्तमान मुखिया प्रत्याशी। पंचायत का क्या नाम है? तियर पंचायत। नहीं, वर्तमान में आप लोग कुछ थे जी? पहले कुछ थे आप? वर्तमान आप मुखिया। पिछले 5 सालों में क्या किया है आप जनता के लिए? काम तो हम बहुत कुछ किए हैं, तो आप पता भी कर सकते हैं, ये तो हमारी जनता बताएगी। हम सामने खड़े हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम तो आपके सामने कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन पहले प्रस्तावक है आप। जनता बताएगी, थोड़ा बात कर लीजिए। आप इनके घर के पास घर है आपका? हमारा इनके घर के पास नहीं, हमारा दूसरा गांव है, इनका दूसरा गांव है। हमारे यहाँ पक्की सड़क नहीं थी, आने जाने में बहुत दिक्कत हुआ करता था। इनके आने के बाद हमारे गांव में काफी साल बाद पिछड़ा गांव था हमारा, पक्की सड़क हुई, पानी के लिए काफी दिक्कत होता था, तो वो घर 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 नल लगा, बहुत सारी सुविधाएं मिली। नल का पानी मिलता है? रात को 12 बजे भी अगर कोई दिक्कत हो तो मुखिया जी हमारे घर पहुंचते हैं, पुराने मुखिया जी नहीं आते थे। अच्छा, नल जल का जो पानी जाता है वो कौन कौन मिलकर वो काम करवाया है नल जल का? ये तो मैं गांव में रहता नहीं हूँ, शहर में रहता हूँ, लेकिन मुखिया जी इन्हीं लोगों के सपोर्ट से हुआ है, ये मुझे पता है। मुखिया जी के जी, ये किसका ड्रीम प्रोजेक्ट था शायद? नीतीश कुमार जी का था। इसमें शायद शामिल थे कई लोग, सचिव भी, मुखिया जी भी शामिल थे, वार्ड भी शामिल था जी। ये तो अलग बात हो गई, विकास की बात। अगर रात को कोई भी दिक्कत आती है तो जन सहयोग के लिए मुखिया जी हमेशा तत्पर रहते हैं। वार्ड कितना है आपके पंचायत में? हमारे वार्ड में 13 वार्ड है। एमपी बुक हो गया है पूरे जी? कुछ बाकी है तो उसको हम चुनाव जीतने के बाद से। कर्मचारी क्या जय का मांग रहा है? जय कृष्ण। हमारे ऐसा कुछ ऐसा सवाल आया हुआ है रिपोर्टर के माध्यम से। सबसे पहले तो हम आपसे बोलेंगे कि आप रिपोर्टर हैं, ठीक, आप यहाँ सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी पंचायत की जनता आई हुई है, ठीक ना? ऐसा नहीं है कि हम 5 जनता के बीच में आए हुए हैं काम करा करके और आराम से आकर के पास निकल करके आए हैं और नॉमिनेशन करा कर जा रहे हैं। रुपया और मुर्गा वाला कोई भीड़ है नहीं, ठीक ना? आप जाकर हमारे जनता कोई किसी को भी रुका कर पूछिए कि सोनू पांडे कैसा काम किए हैं। ऐसा भी काम किए हैं कि जो एमपी विधायक को जो काम उनके अंडर में आता था वो भी हम काम किए हैं, जो हमारी जनता आज 50 साल से जूझ रही थी। पटेरा में सबसे पहले तो कोई रास्ता नहीं था, ठीक ना? पटेरा में तियर बस स्टैंड मोड़ से बाजार मोड़ तक दलित बस्ती होते हुए जो जाता था, हाँ, हर बार जब जब विधायक जी का, एमपी साहब का कोई भी प्रतिनिधि जाते थे, बोलते थे कि हम करवा देंगे, ठीक ना? वो काम जनता को उम्मीद था कि बाबा को आने के बाद, सोनू बाबा को आने के बाद, मुखिया सपना देवी के आने के बाद इस पंचायत में विकास होगा और विकास हुआ है। तो हम आपसे अपील करेंगे, आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, आप जाकर के हमारे पंचायत में धरातल की चीज देख करके आपने चैनल के माध्यम से बताइए। आप जितना सब बोलेंगे ना, इस बचे हुए दिनों में हम लोग वहाँ पर जाएंगे। देखिए बता रहे हैं हम, पिछले 5 सालों में आपका मुद्दा क्या था? पिछले सबसे पहले मेरा मुद्दा विकास था, शिक्षा था, बेरोजगारी था। हमसे पूछिए, 3 साल हम विकास किए हैं, 3 साल में कोरोना से 2 साल पूरा देश परेशान था, उसमें कैसा विकास हुआ है आप रिपोर्टर हैं, आप बता सकते हैं, इसमें कोई बरगड़ने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी 3 साल का रिकॉर्ड जो भी है, जो भी काम हुआ है 5 साल के अंदर में, आप जाकर वहां से पूछिए, ठीक ना? आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि आप हमारे जनता से सवाल कीजिए, ठीक, उसके बाद आकर के हमसे मिलिए, यही बस है। अच्छा, कोई ऐसा विकास बताइए, ऐसा काम बताइए जिससे एक आदमी गरीब को लाभ मिला हो, उसका घर बस गया। हाँ, मिला है, मिला है, वहां हम जाएंगे। कहाँ मिला है? किसी हमारे पंचायत में जाइए, हम कहने का मतलब रिकॉर्ड तो लेकर आए नहीं है ना, बहुत ऐसे हमारे जनता इस साल के पास, हम बता रहे हैं आपको, 54 साल से दलित बस्ती में रोड नहीं था। जितने भी प्रतिनिधि आते थे इनके पहले, सब लोग बरगड़ाते थे, लेकिन 54 साल में आजादी के बाद इन्होंने दलित बस्ती का रोड बनाया है। आप जाके बात कर सकते हैं, आप पटेरा में जाइए, मेलनी पर जाइए, वार्ड नंबर 8 में, आजादी के बाद से वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ था, इन्होंने अपने फंड से वहाँ पे रोड बनाया, आजादी के बाद वहाँ भी काम नहीं हुआ था। गोपालपुर में जाइए, आप जहाँ जिस गाँव में जाइएगा उस गाँव में विकास हुआ। अभी तो कुछ बरसाती मेढक आए हुए हैं, ये बरसात बीतेगा सब भाग जाएंगे, कोई दिल्ली भाग जाएगा, कोई पटना भाग जाएगा, कोई बॉम्बे भाग जाएगा, लेकिन
भाई हमेशा समाज के बीच में रहता है और हमेशा रहेगा। तो जन सेवक ये है और जन सैलाब आया हुआ है। आप जन सैलाब से चलिए, यही चाहिए जनता के बीच में रहे। लेकिन इस बार आपका मुद्दा क्या है, वोट मांगने का तरीका क्या है? विकास, अभी भी विकास है। जो कई लोग जात पे मांग रहे हैं, नहीं हम जाति के साथ नहीं। अभी बोले हैं, अभी एक चैनल में अभी बोले थे हम कि अभी एक आदमी बोले कि आप नेता का टीन नहीं पहने हैं, तो हम नेता के रूप में हम यहाँ नहीं आए, एक बेटा के रूप में आए हैं, ठीक ना। नेता बनकर नहीं, नेता बनकर सात गांव का सेवा करना है तो नेता बनकर क्या करना है? विधायक बनेंगे, एमपी बनेंगे तो हो सकता है एक गांव अगर नाराज हो जाएगा तो एक गांव जोड़ लेंगे कहीं, ठीक ना। लेकिन सात गांव में हमको विकास करना है तो बेटा बनकर ना करना है। जनता से क्या अपील? जनता से अपील करेंगे किसी भी बहकावे में ना आइए, रुपया पैसा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मुर्गा मीट सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वो लोग उस स्तर पर नहीं उतर सकते हैं जहाँ आप अपने बेटा सोच। अच्छा, इस बार मुर्गा मीट बार बार नाम ले रहे हैं, कोई आया है क्या ऐसा पंचायत? जब देखिए उसमें हमारे पब्लिक को, अभी हमारे पब्लिक को रात में जा करके बहुत ऐसे प्रत्याशी थे कि जा करके कि नहीं जाना है, ठीक ना। मैंने दबाव दे करके कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इसके बावजूद भी हमारे साथ हमारे लोग आए हुए थे, पहली बात। दूसरा बात कि आप बोल रहे हैं ना हमको भी धमकी मिला ऐसा, ठीक ना। हम तो अभी असाव थाना में दिए हैं, असाव थाना में दिए हैं हम अपना आवेदन, ठीक ना। मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या होगा वो तो बात की बात। क्या धमकी मिला था? वही चीज कि हम जो भी है, अब क्या धमकी मिला, जाइए वहां सब मिलेगा। अच्छा अच्छा।